चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार मैं स्वागत कर रहा हूं। और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और शिक्षक परीक्षा की भर्ती को ध्यान में रखते हुए या आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा आने वाले हैं सभी को ध्यान में रखते हुए मैं एम चक्रवर्ती आपके लिए 20 करंट अफेयर का प्रश्न लेकर आया हूं। ये वैसे करंट अफेयर है जो पिछले कुछ महीनों या कुछ साल के भी आपको कुछ मिलेंगे, ऐसे प्रश्न जो कि एक साल दो साल पहले हो चुका है लेकिन वो भी आपको करंट अफेयर के रूप में आते रहता है और वो डाटा हमारे ध्यान से हट जाता है। मान लीजिए कि कोई घटना जैसे ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ था, हालांकि 2020 में होना था लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुआ था, तो उसका भारत का क्या रैंक रहा, ये सब क्वेश्चन जब आता है तो उस समय तो ध्यान में था लेकिन अभी ध्यान से उतर जाता है। तो कुछ वैसे भी प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले कुछ साल पहले हुए थे और कुछ ऐसे जो अभी वर्तमान में हुए हैं। तो एक शानदार करंट अफेयर का टॉपिक का क्लास आज का बनने वाला है, तो आप सभी पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइएगा, याद करेंगे और वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक भी कर ले और अपने साथियों दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर जो कि करेंट अफेयर टॉपिक से लिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से अगर आप 20-20 प्रश्न का भी प्रतिदिन तैयारी करते हैं तो आपका जीके जीएस में विश्वास दिलाता हूं कि मजबूत हो जाएगा। और कम से कम आपके प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इस 20 प्रश्न से भी इस 20 प्रश्न को आप प्रतिदिन हल करते रहते हैं तो आप इतना मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा जरूर करेगा। तो चलिए बढ़ते आज का पहला सवाल, कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, घोषणा हो गया है, मिलेगा 2024 के जनवरी महीना में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा, सात्विक साई राज रंकी रेड्डी। ध्यान दीजिएगा, सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्ठी को दिया जाएगा संयुक्त रूप से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जी को दिया जाएगा और चिराग सेट्ठी। तो क्वेश्चन बनता है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्ठी, ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एक नाम है और चिराग सेट्ठी एक अलग नाम है, तो ये दोनों का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जिनको 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का सबसे पहला खेल, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा होता है, मेजर ध्यानचंद, इससे बड़ा कोई पुरस्कार भारत में खेल रत्न, इसको खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, लेकिन पूर्व में इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। कहेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व में नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका शुरुआत 1991 से हुआ। कहेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या खेल रत्न का शुरुआत कब से हुआ, 1991 ईस्वी से हुआ। इसका इनाम राशि बोलेगा तो 25 लाख रुपया, खिलाड़ी को कितना मिलता है, 25 लाख रुपया इनाम राशि के रूप में दिया जाता है। अगला सवाल, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी 2024 में जो IPL होगा, कुछ दिन पहले आपको दो तीन दिन पहले IPL का बिक्री चल रहा था, तो 2024 में IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी अभी तक के कौन बन गए IPL इतिहास में, तो मिचेल स्टार्क बन गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है। ध्यान दीजिएगा, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी 2024 के लिए कौन बन गए, मिचेल स्टार्क, जिसको 24.27 करोड़ रुपया में खरीदा गया। ध्यान दीजिएगा, 24.27 करोड़ रुपया में खरीदा गया। अगला सवाल आपसे कहता है कि काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ है, काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में किया गया, उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में। कैमल के जो जनजाति, कैमल के जो परिवार हैं, कैमल मतलब ऊंट, उसके जो इतने भी प्रजाति हैं उसको कैमलिट्स कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। 2023 भी याद रखेंगे बाजरा वर्ष के रूप में, बाजरा या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया 2023 को, बाजरा वर्ष के रूप में किस साल को घोषित किया गया था, 2023 को, यह भी आपको ध्यान में रखना।
मानव अधिकार दिवस का मनाते हैं 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस का मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद कर लीजिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस बोलेगा 19 दिसंबर, क्योंकि गोवा 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद किया गया था, ठीक है ना, उसको पुर्तगाली छोड़ कर गया था। तो गोवा आपका मुक्ति दिवस का मनाएगा 19 दिसंबर को मनाएगा, और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। साइगा किस जानवर का प्रजाति है? साइगा किस जानवर का प्रजाति है? तो साइगा है जो हिरण का प्रजाति है। किसका प्रजाति है? हिरण का। राज्यसभा में सांसदों का निलंबन संसद के किस नियम के तहत होता है? ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे संसद में हंगामा करने के कारण, ठीक है, वो हंगामा का विषय क्या रहा, क्योंकि संसद में कुछ है जो व्यक्ति गलत तरीके से या कह सकते सुरक्षा को तोड़कर अंदर आ गए थे, तो गृह मंत्री अमित शाह के स्थगन को लेकर मांग कर रहे थे कुछ सांसद, ठीक है ना, तो उसके लिए कहता है कि कुछ सांसदों का जो कि राज्यसभा से और लोकसभा दोनों से संबंधित उनका निलंबन हुआ है, तो किस नियम के तहत? तो राज्यसभा में सांसदों का निलंबन किस नियम के तहत होता है? ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में जो सांसदों का निलंबन होगा नियम संख्या 255 के तहत होगा। किसके तहत होगा? नियम संख्या 255 के तहत होगा राज्यसभा में सांसदों का निलंबन, नियम संख्या 255 के तहत। और लोकसभा में होगा नियम संख्या 373 और नियम संख्या 374। ध्यान देंगे, राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जो होगा नियम संख्या 255 के तहत होगा, और लोकसभा में जो होगा 373 और 374 ए के तहत किया जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि राज्यसभा के कितने सांसदों को निलंबित किया गया? तो 45। राज्यसभा के कितने सांसदों को निलंबित किया गया? 45। और लोकसभा के 33। लोकसभा के 33, कुल 78। कुल कितने लोगों को? 78 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें 45 है राज्यसभा से और 33 है लोकसभा से। ये ध्यान में रखेगा शीतकालीन सत्र, ध्यान देंगे शीतकालीन सत्र के दौरान ये हंगामा हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अभी कौन सा सत्र चल रहा? शीतकालीन सत्र। तो ये तीन मुख्य बातें हैं आपको याद रखना होगा कि राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जो होगा नियम संख्या 255 के तहत, लोकसभा में 373 और 374 एक के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संसदीय कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठा सकते हैं, या न्यायालय में चुनौती नहीं दे? संसदीय कार्यवाही, ध्यान दीजिएगा, जो भी संसदीय कार्यवाही होगा उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं या न्यायालय के समक्ष कोई भी, जैसे ये सांसद जो हटे हैं वो न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संसद की प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया को न्यायालय में नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि संसद अलग काम करेगा और न्यायालय का काम अलग है। ध्यान दीजिएगा, संसद का काम अलग है, न्यायालय का काम अलग है। उसमें ना संसद है न्यायालय के काम में दखल करेगा, ना न्यायालय संसद के काम में दखल करने जाएगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 122 में कहा गया, अनुच्छेद 122 में, किस अनुच्छेद के तहत संसदीय कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता? तो अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 123 आप लोग को पता होगा, राष्ट्रपति अध्यादेश कर सकती है। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश, और राज्यपाल को 231, राज्यपाल को 231 याद रखेंगे, सॉरी राष्ट्रपति, ध्यान देंगे राष्ट्रपति 123, राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे, राष्ट्रपति 123 के तहत, और राज्यपाल 213, राज्यपाल 213 के तहत करेंगे, राज्यपाल 213 के तहत कर देंगे, याद रखेगा 213 राज्यपाल और राष्ट्रपति 123। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 से प्रदान किया जाएगा? किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? मोहम्मद शमी को। वर्ल्ड कप में, जो कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 में, उसमें 24 विकेट लेकर, ध्यान दीजिएगा 24 विकेट लिए, कुल विकेट कितना, और सबसे मैंने नंबर वन गेंदबाज बने। तो कहेगा कि मोहम्मद शमी ने आपका जो वनडे क्रिकेट का जो आपका वर्ल्ड कप हुआ उसमें कुल कितना विकेट लिए, तो 24 विकेट लिए हैं, और आपको 2023 में घोषणा हुआ है, और 2024 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? मोहम्मद शमी जी को। वर्ल्ड कप क्रिकेट में कितना विकेट लिए? 24 विकेट, ये ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? अली अबू आबाद, अली अबू आबाद जो कि फिलिस्तीन के हैं,
अली अबू आबाद फिलिस्तीन के, और डेनियल बरेन बोइम जो कि अर्जेंटीना के हैं, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 मिलेगा। एक बार नाम याद रखेंगे, अली अबू आबाद फिलिस्तीन के, डेनियल बरेन बोइम अर्जेंटीना के, ये दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से नवाजा जाएगा। चलिए आज का अगला सवाल 11 नंबर देखते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा जी बनी है। ध्यान में रखिएगा, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यह पुराना क्वेश्चन हो गया लेकिन आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 2023 में कितने लोगों को, 106, क्योंकि ऐसे डाटा है कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, खास करके एसएससी के परीक्षाओं में, और आप वहां पर भूल जाइएगा तो याद रखेंगे 106 लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 में नॉमिनेट किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या कर दिया गया? स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम सुंदर भारत कर दिया गया, ध्यान देखें, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होना था, 21 में हुआ था, भारत का पोजीशन पूछ रहा है 48वां, पहला नंबर पर अमेरिका था, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक कैसा रहा, 48वां रैंक पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया मिशन उसका नाम क्या है? आदित्य एल वन को कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो 75 पूछेगा, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितना है, तो वो 75 है। पर्पल उत्सव 2023 कहाँ किस राज्य में मनाया गया? झारखंड में। किस राज्य में मनाया गया? झारखंड। पर्पल उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया? झारखंड में। नाग नगाई त्यौहार किस राज्य का है? गान नगाई त्यौहार पूछेगा किस राज्य का, तो ये मणिपुर का है। ये त्यौहार पर अब याद रखेंगे एसएससी के लिए, तो खास करके एकदम जो भी विद्यार्थी एसएससी एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है, जो भी एसएससी का एग्जाम है उसके लिए आप ध्यान रखेंगे। गान नगाई त्यौहार किस राज्य का? मणिपुर का है। टडोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काफी चर्चा में रहा, महाराष्ट्र में। टडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का। किस त्यौहार के दौरान खासी जनजाति, ध्यान देंगे, खासी और गोरो भी जनजाति, खासी गोरो जनजाति द्वारा नोक क्रेम नृत्य किया जाता है? तो खासी और गारो, ध्यान दीजिएगा, खासी और गारो किस राज्य का जनजाति है? तो मेघालय का, तो मेघालय राज्य का तो होगा, लेकिन किस त्यौहार के दौरान, तो किस त्यौहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा नोग्रेम नृत्य किया जाता है? तो बंगला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। बंगला तो ये मत बोलिएगा पश्चिम बंगाल में, बांग्ला है, वांगला है ना, वांगला त्यौहार किस राज्य का है? तो मेघालय का। और बांग्ला त्यौहार के अंतर्गत खासी जनजाति है एक विशेष प्रकार के नृत्य कहते हैं नोग क्रेम नृत्य का, जो फसल कटाई के बाद किया जाता है, जब वहां पर फसल कट जाते हैं उसके बाद ये नोग क्रेम नृत्य किया जाता है। मेघालय राज्य का ये त्यौहार है वांगला त्यौहार। तो बच्चों 20 प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा इसको मैंने समाप्त किया, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी इससे लाभ जरूर लेंगे, क्योंकि याद करेंगे तो आपको ये लाभ जरूर देगा, ये आपको भी पता है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप सभी इसको शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं कल के अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम। प्यारे मित्रों।